डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास टेंथ के लिए जो हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ना शुरू किया था वो था हम लोगों का जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने स्वपोषी के बारे में पढ़ रहा था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने नोट डाउन भी किया है। चलिए आज एक नया टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स का नाम है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, ये टॉपिक बनाना है। ठीक है, ये टॉपिक बनाना है, उसके नीचे एरो देना है, फर्स्ट एरो लिखा जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला लिखेंगे फर्स्ट, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, पहला लिखे क्या, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो सबसे पहली घटना यह है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अवशोषित करना का मतलब क्या, खींचना। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यह पहली घटना होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो अगर कहीं से सवाल आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो फर्स्ट पॉइंट कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा जाए, दूसरा यहां से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हेतु जल के अणु को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटित होते हैं। देखिए, पहला में हम लोग क्या सीखे कि पहला में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण का काम करता है दोस्तों क्लोरोफिल, और इसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती है। दूसरा में हम लोगों ने लिखा कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने हेतु, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने हेतु आपको जल की भी जरूरत पड़ती है, H2O का जरूरत पड़ती है, जिसको इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ता है, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग तोड़ देता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, प्रकाश ऊर्जा में को अगर रासायनिक ऊर्जा में व्यक्त करने के लिए जल की जरूरत होती है, इसीलिए पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी से यानी कि नीचे से जल को सोखती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए, ताकि वो अपने अंदर का ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए दूसरी घटना क्या होती है
कि जल की जरूरत होती है और जल की आवश्यकता को जल को क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग भागों में तोड़ देता है। ठीक है, तो अब लिखा जाए थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, थर्ड तीसरा लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है, कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। जी हाँ, देख पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, हर किसी भी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप एक बात समझिए कि जैसे हम लोगों को चावल रोटी दाल ये सब खाते तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा मिलता है ना, वैसे ही दोस्तों किसी भी हरे पेड़ पौधों को किससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ध्यान रहे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यही तीन मुख्य घटनाएं होती है। पहली घटना कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रूपांतरण कर सकता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है ना प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरण नहीं करता और शोषण करता है, खींचता है। कौन खींचता है? क्लोरोफिल। किसको? प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को खींचता है। और दूसरा में लिखे कि यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए जल की जरूरत होती है और यही जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और तीसरा पॉइंट पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली कुछ घटनाएं। अच्छी, उसके बाद हम लोग नोट में करके लिखेंगे, NOT, नोट, नोट में करके लिखा जाए, NOT, नोट। मरुद्भिद पौधे, ध्यान रहे अलग अलग पौधों के नाम है, जैसे पीपल का पौधा, बरगद, राइट, शीशम, ठीक है, तो अलग अलग पौधों के नाम होते हैं ना, वैसे ही आपको नाम याद रखना है मरुद्भिद पौधे। ये अक्सर राजस्थानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद ये पौधा का नाम है, मरुद्भिद पौधे। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दोस्तों जैसे कि आपको याद रखना पड़ेगा कि वह कौन सा पौधा है जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों, अक्सर जो पौधे होते हैं ना रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा हर चीज को, अधिकतर पौधे यानी कि 99% पौधे रात्रि में CO2 छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, लेकिन दिन में वो क्या करते हैं, रात्रि में CO2 छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन को लेते हैं। इसका मतलब लेना और इसका मतलब छोड़ना। कितना परसेंट पौधे? 99% पौधे यानी कि 99% पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहां पे छोड़ना है,
देखना, दोनों में यहाँ पे गलती लिखा गया था। 99% पौधे जो होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये इसीलिए कहा गया होगा, आप कहावत सुने होंगे, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में ना ज्यादातर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हम लोगों के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, हानिकारक है। हम लोगों के लिए क्या लाभदायक है, तो ऑक्सीजन गैस, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि 99% पौधे ऐसा करते हैं, लेकिन एक ही पौधा है जिसका नाम है दोस्तों मरुद्भिद, नाम ही इसका मरुद्भिद पौधे, जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं है, लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए नोट में करके बात लिखवाए कि कौन सा पौधा, कौन से पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो राइट आंसर इज मरुद्भिद, ये है हम लोगों का मरुद्भिद पौधा, ठीक है। चलिए अब नोट का इसको फर्स्ट टॉपिक बना दीजिएगा। नोट में दो बात लिखेंगे, नोट में ये पहला हो गया, नोट में दूसरा लिखा जाए, नोट में ही दूसरा, पौधे के पत्तियों के कोशिकाओं में, पौधों के पत्तियों में, पत्तियों के कोशिकाओं में हरे रंग की छिद्र दिखाई देते हैं, हरे रंग के छिद्र दिखाई देते हैं, हरे रंग के छिद्र दिखाई देते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, कॉमा, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि एक ऐसा मरुद्भिद पौधा है जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बजाय वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसका मतलब आपका सवाल यह होना चाहिए, तब सर मरुद्भिद पौधों के पास रात बिताने से तो फिर कोई नुकसान नहीं है। हाँ भाई, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादातर पौधे रात्रि में ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए हानिकारक है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि आप रात्रि में पेड़ के नीचे न सोए, न बैठे, न रहे, आपको घुटन महसूस हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर आएगा तो आप ऑटोमेटिक घुटन महसूस करेंगे, अकबकाहट महसूस करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन मरुद्भिद पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, रात्रि में लेता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़े कि कोई भी पौधों की अगर पत्तियां लेते हो आप, कोई भी पौधों की अगर पत्तियां आप लेते हो कोई भी पौधों की अगर आप पत्तियां लेते हो, जैसे मान लिया कि एक हम लोग पत्ती बना दिया, ठीक है, एक पेड़ की पत्ती बना दिया, चाहे आप किसी का भी पौधे का पत्ती क्यों ना हो, अगर मान लिया ये पौधों की पत्तियों को आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि इस पत्ती पर हरे रंग का एक छोटा 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 बिंदु दिखाई देगा, ठीक है, जिसको छिद्र भी बोलते हैं, यानी कि गड्ढा। जैसे मान लिया कि जैसे किसी किसी का चेहरे में पिंपल्स निकलता है ना, पिंपल्स,
सेम वैसे ही पिंपल्स को, जब आप पिंपल्स में थोड़ा सा ये कुछ तो होता है ना जिसको निकाल देने पे फिर गड्ढा गड्ढा हो जाता है, सेम थिंग्स आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हर पौधों की पत्तियों में ये पोर दिखाए होते हैं, पोर पोर मतलब पिंपल्स के जैसा होता है, थोड़ा सा गड्ढा होता है, और उसी के अंदर दोस्तों जो गड्ढा होता है वो तो हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट कहलाया। यानी कि क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, किसी भी पौधों की पत्तियों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें उस पत्तियों में हरे रंग का छिद्र दिखाई देता है, उसी छिद्र को दोस्तों क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रख, क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ, तो किसी भी पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का छिद्र होता है, छिद्र दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ध्यान रहे, क्लोरोप्लास्ट में ही हम लोगों का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जो काम क्या करता है, जो काम क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करने के लिए, प्रकाश को खींचने के लिए काम करता है क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल का काम है प्रकाश के, यानी कि सूरज के प्रकाश को ग्रहण करना, उसको खींचना, उसको स्टोर रखना। ठीक है, यहां पे आप समझिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो पौधों की पत्तियों में, पत्तियों की कोशिकाओं में भी लिख सकते हैं, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग का छिद्र दिखाई देता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना, खींचना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नोट्स का ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग करने वाले हैं कि आखिर पौधे को क्या जरूरत है। जैसे हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना भाई, वैसे ही पौधों को जीने के लिए क्या जरूरत है। तो आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, तो आप यहां से टॉपिक बनाएंगे कि आखिर पौधे जो है CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम लोग टॉपिक बनाएंगे पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम लोग यही टॉपिक्स को सीखेंगे, ये हम लोगों का मेन टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक्स के बारे में फर्स्ट एरो दिया जाए, यानी कि टॉपिक्स क्या है कि कोई भी पौधे आखिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं, कैसे उससे उनका भोजन चलता है। जैसे हम लोगों का भोजन रोटी दाल चावल से चलता है, और रोटी दाल चावल हम लोग उगाते हैं, फिर उसको कई मायने में बहुत तरह का प्रोसेस होता है, फिर हम लोग उसको पकाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर जैसे हम लोगों को जीने के लिए कुछ जरूरत है, वैसे ही पौधों के लिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अब ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग टॉपिक लिखे हुए हैं पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए इसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे एरो देकर, फर्स्ट में एरो देंगे, लिखेंगे पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। अब रहा बात कि ये रंध्र आपको कहां से सीखने को मिल रहा होगा, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे रंध्र के बारे में, पौधों की पत्तियों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि रंध्र किसको कहते हैं, तो रंध्र के बारे में हम लोग देखे कि पत्तियों के सतह पर छोटा छोटा छिद्र होता है, और उस छिद्र को रंध्र भी कहते हैं, हालांकि हम लोग उसको क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हरी रंग की जो, लेकिन वहां पे छिद्र होता नहीं, वहां पे पौधों की पत्ती कोशिकाओं में हरा रंग का ऐसा एक मोलिकुल दिखाई पड़ता है,
तब हम उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रहे वहां पे मिस्टेक हुआ होगा, तो वहां पे समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्लोरोप्लास्ट ध्यान रहे, जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हरा रंग का बिंदु दिखाई देता है, ये लिखे है वहां, छिद्र के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि पौधों की पत्तियों में अगर छोटा छोटा छिद्र रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए रंध्र के बारे में तो सीख गया ना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एरो देते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, नेक्स्ट एरो में प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, रंध्रों से होता है, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है, रंध्रों से होता है। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि पौधों की पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना उसको रंध्र कहते हैं। अब उस रंध्र में, उस रंध्र का काम क्या है, तो गैसों का आदान प्रदान करना। जैसे आप समझो कि गैस पौधों के लिए कौन सी गैस जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोगों के लिए क्या जरूरत है, तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरत है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है। तो जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से पौधे की पत्तियां भी क्या करती है, वो भी गैसों का आदान प्रदान करती है, तभी तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन हमें देती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गैसों का अदला बदली का काम कौन करता है, तो पौधों में पाए जाने वाले रंध्र। रंध्र का काम क्या है, गैस का अदला बदली करना। ठीक है, नोट में करके लिखेंगे फिर, NOTE नोट में करके लिखा जाए एक बात, रंध्र के अलावा पौधों में गैसों का आदान प्रदान, रंध्र के अलावा पौधों में गैसों का आदान प्रदान तने कोमा जड़ें और पौधों के पत्तियों की सतह से भी होता है, और पौधों के पत्तियों के सतह से भी होता है। जी हाँ, तो हम लोग अभी क्या सीखे कि रंध्र का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का अदला बदली करना दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज और समझना चाहिए कि गैसों का अदला बदली में केवल रंध्र का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, हम लोग पौधों की तने यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तना का भी इस्तेमाल किया जाता है, जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ पत्तियां भी इसमें भाग लेती हैं। यानी कि आप केवल ये बोले हैं कि रंध्र का जो अदला बदली होता है केवल, सॉरी, गैस का जो अदला बदली होता है, गैस का जो आदान प्रदान होता है केवल रंध्र से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग गैसों का जो आदान प्रदान है वो तनों से भी देखा जाता है, जड़ से भी देखा जाता है, पत्तियां से भी देखा जाता है। वही बात हम लोग नोट में भी करके लिखे कि रंध्र के अलावा भी अगर सवाल आएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, ठीक है, तो रंध्र से भी होता है, इसके अलावा तने जड़े और पौधों की पत्तियों से भी होता है। तो ये नोट का कुछ पॉइंट था। फिर लिखेंगे एरो। एरो का मतलब जैसे फर्स्ट एरो सेकेंड एरो दे रहे थे ना, वैसे ही थर्ड एरो लिखा जाए इसमें। प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होता है, तो
प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होता है तो रंध्र स्वतः बंद हो जाती है, रंध्र स्वतः बंद हो जाती है। चलिए अब जरा हम लोग ना यहां पे रंध्र का फिगर देख लेते हैं कि रंध्र का फिगर कैसा होता है। ठीक है, रंध्र का फिगर कैसा होता है देख लो भाई, हम लोग रंध्र को देख लेते हैं कि कैसा होता है रंध्र। तो इसका जो फिगर बनता है ना, फिगर देख लीजिए, ठीक है, ऐसे होता है, देख पा रहे होंगे ये रंध्र का हो गया। अब रंध्र किसको कहते हैं, तो अभी हम लोग रंध्र का ही फिगर बना रहे हैं फिलहाल। यहां पे फिगर बना रहे हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का पत्ती है, चारों तरफ से क्या है, ये पत्ती है। और इस पत्ती का ये जो खाली भाग है, ये जो छेद दिख रहा है, यही छेद को हम लोग रंध्र कहते हैं, यही क्या कहलाता है, रंध्र। और दोस्तों ये हम लोगों का द्वार कोशिका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। ठीक है, सबके बारे में बतलाते हैं अभी। और इसके बीच में एक छोटा 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 पार्ट्स होते हैं ऐसे, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का हरित लवक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक पत्ती को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा ही गड्ढा मिलता है, यानी कि ये गड्ढा बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, ना मात्र का होता है, ये बिल्कुल गड्ढा होता है, बहुत छोटा गड्ढा होता है। लेकिन अभी हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ना, तो ये गड्ढा बहुत, इतना बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी गड्ढे को हम लोग क्या बोल देते हैं, रंध्र कहते हैं। अब ये जो रंध्र जो होता है, बिल्कुल आप कभी अपने घर में जो दरवाजा देखते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है बंद, जब इसको खोलते हैं तो ऐसे खुल जाता है, यानी कि दोनों तरफ से हम लोगों का चौखट होता है। ठीक है, और ये पल्ला होता है, जब हम इसको लगाते हैं तो पैक हो जाता है, जब इसको किल्ली को यहां से खोलते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ऐसे खुल जाता है, आप जा सकते हो। उसी तरीके से ये द्वार कोशिकाएं हैं, जैसे कि हम लोग का घरों में दरवाजा होता है ना, वैसे ही ये द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाएं का मतलब कि हम लोगों का दरवाजा का पल्ला, पल्ला मतलब जो हम, जहां पे हम लोग लॉक करते हैं दोनों पार्ट्स को, तो पल्ला हो गया। वैसे ही रंध्र के भी दो दरवाजा होते हैं, पल्ले होते हैं, जिसको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों जैसे भी कोई भी पत्ती, वो तो उसको तो दिन भर प्रकाश में रहना पड़ता है। अगर मान लिया उसका भोजन कंप्लीट हो गया, आप मानो आपको भूख लगी है, आप भोजन करने बैठे हो, तो क्या आप हमेशा भोजन खाते ही रहते हो? अगर पेट आपकी फुल हो गई, भर गई जिसको बोलते हैं, भूख नहीं लगी, तो आप भोजन को आराम से नहीं करते हो, इच्छा नहीं करता खाने का। वैसे ही दोस्तों पौधों में भी होता है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पूरी हो जाती है, आवश्यकता नहीं होता है, तो ये दरवाजा क्या होता है, बंद हो जाता है। अब ये दरवाजा जो बंद हो गया, ये बंद कैसे हो गया, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया,
तो ये दरवाजा बंद होता है द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं में जब जल पूरा भर जाती है तब ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता है। लेकिन अगर जल की कमी हो गई तो दरवाजा खुल गई, यानी कि जब पानी भर जाता है द्वार कोशिकाएं में तो ये पैक हो जाता है, जब पानी की कमी हो गई द्वार कोशिकाएं खुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है। सेम थिंग्स जब हम लोगों को भूख लगती है हम लोग भोजन लेने लगते हैं, वैसे ही एक पौधों की पत्तियां भी करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी वही सीख रहे थे कि कोई भी पौधों की पत्तियों को जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो अपने रंध्र को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप जरूर बनाइएगा, या तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक की सहायता भी ले सकते हैं, वहां पे बनाया हुआ है रंध्र, हरित लवक, द्वार कोशिकाएं, ये सब। ठीक है, चलिए उसके नीचे एरो देते हैं, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए रंध्र का खुलना या बंद होना द्वार कोशिका का कार्य है। वही बात लिखे हैं कि रंध्र का खुलना या बंद होना ये किसके लिए काम करता है, द्वार कोशिका ही ऐसा करता है। द्वार कोशिका बंद तो रंध्र बंद, द्वार कोशिका खुला तो रंध्र खुल गया, है ना। यानी कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर। फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए द्वार कोशिका में जब जल प्रवेश करता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही जल इसमें प्रवेश होता है तो अभी बताया रंध्र कहाँ हो जाता है, खुल हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। लेकिन जब इसी द्वार कोशिकाएं जब सिकुड़ती है तो रंध्र क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो जब ये सिकुड़ गई का मतलब इकट्ठा हो गया तो रंध्र बंद हो गया, उसका पोर बंद हो गया। फिर से लिखेंगे नेक्स्ट एरो, उसके नीचे लिखा जाए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जी हाँ, हम लोग अभी सीखे ना कि पौधों की पत्तियां, पौधों के लिए जल भी जरूरत होता है। तो जल कहां से बनाते हैं वो, तो पौधे की जड़े यानी कि नीचे से वो पानी को खींचते हैं। और पानी कहां होता है, तो मिट्टी में उनकी जड़े जो गई रहती हैं, उस मिट्टी में गई हुई जड़े क्या करती है, तो वाटर को खींचती है। और ध्यान रहे दोस्तों कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये सब तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधों की जड़े द्वारा सोख ली जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल ही सोखता है, इसको हम लोग कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे हम लोगों के लिए कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, कोई भी चीजें खाते हैं तो उसी तरीके से
पौधों की जड़ें अगर कोई पूछेगा कि केवल और केवल पानी ही खींचता है तो नहीं, मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इटीसी, है ना। तो अब उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस, सल्फर बाय मिस्टेक आयरन होता है, लोहा होता है, सल्फर नहीं होता। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है ध्यान दे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, आयरन को एफ ही से सूचित करते हैं। तो क्या लिखे अभी हम लोग, नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस कॉमा आयरन एफ ही तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, एमजी, एमजी मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अन्य पदार्थ भी पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता चल गया कि पौधे के जो जड़े हैं मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन भी प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सबसे आवश्यक है वो सबसे आवश्यक क्या है, नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मेरा मतलब कि हम लोग यहाँ पे मिट्टी में पाए जाने वाले इतने जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या फिर मैग्नीशियम, ठीक है, तो अब इन सारे में से सबसे आवश्यक या सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। तो उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे एरो देकर लिखा जाए, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में, जिनका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़े अभी कि सब ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट क्या है पौधों के लिए, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो यही नाइट्रोजन उसमें प्रोटीन का काम करता है, जैसे हम लोग दाल खाते तो दाल से प्रोटीन बनता है ना हम लोगों में, वैसे ही पौधों में जो प्रोटीन बनता है वो किसकी आवश्यकता से, नाइट्रोजन की आवश्यकता से। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले दिन जो है ना हम लोग एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस रहता है उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।